मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7:21। जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सबके सब स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरा करता है वही स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु कहता है प्रभु प्रभु कहकर पुकारने वाले सबके सब ईश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेगा, ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं कर पाएगा, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पाएगा, या ईश्वर का हस्तक्षेप या ईश्वर का कृपा दृष्टि हम प्राप्त नहीं कर पाएगा प्रभु प्रभु कहकर पुकारने से। हम इन दिनों मनन कर रहे थे प्रार्थना के विषय में कि प्रार्थना में हमारी बाधाएं क्या है या प्रार्थना में हमें कैसा करना है, ये सब के विषय में मनन कर रहे थे। और हम प्रार्थना में हम अपनी प्रार्थना में एक ही हम चीज़ें रट लगाते हैं, प्रभु मेरे जीवन में ये हालत है, प्रभु मेरे जीवन में ये समस्या है, प्रभु मेरे घर में शांति चाहिए, प्रभु मेरे बीमारी, प्रभु मेरी समस्या, प्रभु मेरे बच्चे, प्रभु मेरे पति, प्रभु मेरे माता पिता, ये सब प्रभु प्रभु हम कहकर बार बार हम पुकारते रहते हैं। लेकिन उससे पहले हम मनन करना है एक बात, हमारी प्रार्थना हम जब करते हैं, जब हम प्रभु के घर पुकारने जाते हैं, तब सबसे पहले हमें जानने का आवश्यक है, जरूरी है, वो ये है कि ईश्वर की इच्छा। वचन कहता है प्रभु प्रभु कहकर पुकारने से कोई आशीर्वाद प्राप्त नहीं करेगा, बल्कि जो ईश्वर की इच्छा पूरा करता है वही ईश्वर की जो ईश्वर की इच्छा पूरा करता है वही ईश्वर की कृपा प्राप्त करेगा। इसलिए यीशु ने कहा कि ईश्वर का इच्छा क्या है, और वही प्रकट करने के लिए, वही समझाने के लिए यीशु स्वर्ग छोड़कर हमारे बीच में रहने के लिए हमारे साथ आया, स्वर्ग छोड़कर, पिता का घर छोड़कर। इसलिए यीशु ने कहा उनका सुसमाचार दे 6:28। ईसा ने उत्तर दिया, ईश्वर का इच्छा यह है कि उसने जिसे भेजा उसमें विश्वास करना। यीशु को ईश्वर ने संसार में भेजा हमारे मुक्ति के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए। ये ईश्वर का प्रेम का प्रकटन है। ये योहन का 1 पत्र 4:10 से वचन में लिखा है, ईश्वर का प्रेम इससे प्रकट हुआ कि हमने ईश्वर को पहले प्यार नहीं किया बल्कि उसने हमें प्यार किया और उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया। वो प्यार का प्रकटन है यीशु, ईश्वर का प्यार का पहचान है यीशु कि ईश्वर हमें कितना प्यार करता है। इसलिए ईश्वर चाहता है कि हम उसमें विश्वास करें। यूहन का सुसमाचार अध्याय 3:16, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर इसलिए चाहता है कि हम उसमें विश्वास करें जिससे हमारा सर्वनाश ना हो, हमारा परिवार का सर्वनाश ना हो, हमारे जीवन का, हमारे आत्मा का सर्वनाश ना हो। इसलिए वो चाहता है यीशु मसीह में विश्वास करें। और इसका कारण, इसका पीछे कारण ये है कि ईश्वर हमको प्यार करता है, वो हमें चाहता है। इसलिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18:14 में यीशु ने कहा, मेरे स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि नन्नों में एक भी नष्ट हो जाए। वो नहीं चाहता हम नष्ट हो जाए, हमारा परिवार नष्ट हो जाए, हमारा जीवन नष्ट हो जाए, आपका पति नष्ट हो जाए, घर परिवार नष्ट हो जाए, बच्चा नष्ट हो जाए, नहीं चाहता। इसलिए वो चाहता ये है, इसलिए हम बचना है, हम मुक्ति प्राप्त करना है, हम सर्वनाश से बचना है, तो ईसा मसीह में विश्वास करना, क्योंकि ईश्वर ने उसको इसी काम के लिए भेजा है। लूकास का सुसमाचार अध्याय 2:10, डरो मत, आपके लिए और आप सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार है, आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता का जन्म हुआ, एक रक्षक का, आपका रक्षक का जन्म हुआ है, बचाने वाला का जन्म हुआ है, एक बचाने के लिए ही वो आया। इसलिए वो आनंद का संदेश है, मुक्ति का संदेश है पूरे मानव जाति के लिए। और वो कैसा बचाएगा, वो हमारे साथ रहकर, हमारे साथ निवास कर, हमारे साथ चलकर वो बचाने के लिए आया। ईश्वर ने उसी के लिए भेजा, वो हमारे साथ रहकर हमें बचाए, हमारे साथ रहकर हमें सर्वनाश से बचाने के लिए आया, वो हमारे साथ रहकर हमें मुक्ति देने के लिए आया, वो हमारे साथ रहकर हमें चंगा करने के लिए आया, वो हमारे साथ रहकर हमारे परिवार को उद्धार करने के लिए आया, वो हमारे साथ रहकर हमारे जीवन को, हमारे आत्मा को बचाने के लिए वो आया। इसलिए ईश्वर चाहता है कि हम उसमें विश्वास करें। इसलिए वो प्रेरित चरित्र अध्याय 16
वचन 31 में संत पौलुस भी कहता है, संत पौलुस कहते हैं आप ईसा मसीह में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगा। अब ईसा मसीह में विश्वास करना, क्योंकि मुक्ति का स्रोत यीशु है, पूरा समस्त कृपा का आशीर्वाद का स्रोत यीशु है। पिता परमेश्वर ने सब कुछ के ऊपर अधिकार देकर यीशु को भेजा है। फिलिपियों का नाम पत्र अध्याय 2 में वचन कहते हैं कि ईसा को सब कुछ के ऊपर अधिकार मिला है, आकाश और पृथ्वी के ऊपर अधिकार मिला है। इसलिए वो हमारे साथ रहकर हमें बचाने के लिए आया है, इसलिए वो हमारे साथ रहने के लिए ही रोटी के रूप में अपने आप को साधारण सा रोटी में अपने आप को परिवर्तित किया। वो हमारे साथ रहने के लिए ही मृतकों में से जी उठा। समस्त एक मानव जाति जितना कुछ अपने जीवन में सहता है उन सबों को पराजित करते हुए, क्रूस में पराजित करते हुए मृतकों में से जी उठा और हमारे साथ रहने के लिए वो आया। शिष्य लोग जब डर के मारे, जब सोचा सब कुछ समाप्त है, तब वो उनके बीच आकर खड़ा हो गया और कहा मैं हूँ, तुम्हें शांति मिले, मैं जीवित हूँ। ये प्रमाण दिया, ये प्रूफ किया, प्रभु हर समय उनको प्रमाण दिया और ये दिखाया कि मैं जीवित हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 का वचन 20 में यीशु ने कहा मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। वो हमारे साथ रहकर हमें बचाने के लिए ईश्वर ने उसको भेजा है। उसका काम एक ही है यीशु का, हमें बचाना, हमें सर्वनाश से बचाना, हमारे परिवार को सर्वनाश से बचाना, हमारी आत्मा को सर्वनाश से बचाना। वो हमें तभी हमें बचा पाएगा जब हम उसमें विश्वास करेगा। विश्वास नहीं करेगा, विश्वास की कमी है, हम प्रभु यीशु कुछ नहीं कर सकता, हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकता विश्वास की कमी के कारण। इसलिए हम अपने परिवार में मुक्ति आशीर्वाद प्राप्त करना, हम प्रभु प्रभु कहकर पुकारने से काफ़ी नहीं, हम विश्वास करना, वो यीशु मसीह में विश्वास करना जो हमारे साथ रहने के लिए आया, जो पिता परमेश्वर ने हमारे साथ रहने के लिए हमारे लिए भेजा, जो हमारे साथ रहने के लिए मृतकों में से जी उठा, वो यीशु में, वो पुत्र ईश्वर में हम विश्वास करना। इसलिए फिशे का नाम पत्र दे 2 वचन 8 में वचन कहता है उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा हमारा उद्धार किया है। ईश्वर का कृपा हमारा उद्धार कैसा करेगा? वो हमारे विश्वास द्वारा उसका कृपा हमारा उद्धार करेगा। संत पौलुस कहते हैं इब्रानी का नाम पत्र अध्याय 10 वचन 36 और 38 से वचन कहता है आप लोगों को धैर्य की आवश्यकता है, जिससे ईश्वर की इच्छा पूरी करने के बाद आपको वो मिल जाए जिसकी प्रतिज्ञा ईश्वर कर चुका है। मेरा धार्मिक भक्त अपने विश्वास के कारण जीवन प्राप्त करेगा। यदि कोई पीछे हटेगा मैं उस पर प्रसन्न नहीं होऊंगा। विश्वास को छोड़ेगा, ईसा मसीह में विश्वास नहीं करके इधर उधर दौड़ेगा, पूजा पाठ में इधर उधर दौड़ेगा, बाइबल कहता है मैं उस पर प्रसन्न नहीं होऊंगा। उसे धैर्य की आवश्यकता, मैंने आपको बताया विश्वास का मतलब प्रतीक्षा, इंतजार, धैर्य रखना। इसलिए लुकास का सुसमाचार में वचन कहता है तो अपने धैर्य के कारण आत्माओं को बचा लोगे, अपने परिवार को बचा लोगे। प्रतीक्षा, प्रार्थना में विश्वास के साथ धैर्य करते हुए इंतजार करना, वो तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे घर को, तुम्हारे देश को, जगह को, समाज को बचाएगा सर्वनाश से प्रभु यीशु। और पिता परमेश्वर ने यीशु को इसी के लिए भेजा है कि वो हमें बचाए, और उसी के लिए ही वो आया स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर, जिससे वो हमें बचाए, आपको बचाए, मुझे बचाए, जिससे हमें पिता परमेश्वर का आनंद प्राप्त हो। योहन का सुसमाचार दिया 10 वचन 10 वचन के दम में जीवन प्रदान करने आया हूँ और वो जीवन परिपूर्णता में देने के लिए आया हूँ। वो परिपूर्णता में जीवन, आनंद, शांति हमें देने के लिए आया है। इसलिए प्रिय ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें, हम तनिक भी विश्वास से विचलित ना हो। ये इसाईस का ग्रंथ में वचन कहता है यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं है तो निश्चय ही तुम विचलित हो जाएगा। इसलिए विश्वास हम पक्का करें, हम विश्वास प्रभु यीशु में रखें, हम प्रभु यीशु की ओर देखें, वो हमें बचाएगा, वो देर नहीं करेगा, वो शीघ्र ही हस्तक्षेप करेगा। इसलिए हम प्रतीक्षा करें, हम विश्वास में दृढ़ रहें। प्रभु मसीह आपको आशीर्वाद दें, सबको जय यीशु।